हैं सिफारा रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है और मुरादाबाद डिवीजन से टच है। और इसको रेलवे स्टेशन पे हम इसलिए लेकर आए हैं आपको, जहां एक और पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उस स्वच्छ भारत अभियान जिस पर सरकार बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। लेकिन यहाँ देखने में आया है रेलवे स्टेशन पर, सिहारा के रेलवे स्टेशन पर, कि यहाँ पर एक टंकी, पीने के पानी की टंकी लगी हुई है, प्याऊ बोल सकते हैं आप उसको। ये मेरे साइड में देख सकते हैं आप, ये टंकी है, पीने के पानी की टंकी है। यहाँ इस पर देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान का कितना असर है। यहाँ ये खुद अब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको बता रही है टंकी। हमारे कहने का मतलब जो है, आप इसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे मकसद हमारा इस खबर का बनाने का क्या है। ये देखिए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये बराबर में मेरे टंकी है, इसको दिखाएंगे किस कदर ये टंकी गंदगी से भरी हुई है, किस कदर इसमें काई लगी हुई है। क्या यहाँ वास्तव में कोई शख्स पानी पी सकता है? देखकर इसे ऐसा नहीं लगता कि इसके पास में कोई पानी पीने वाला आए और पानी इसको देखकर उसकी प्यास ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। इसके करीब जाना तो दूर, इसका पानी पीना तो दूर। गंदगी देखकर ऐसा लग रहा है कि खुद उसको पीने पानी प्यासे को उल्टी आ जाएगी इसको गंदगी देखकर। इस कदर की गंदगी है ये, और नीचे वो मेरे पे कैमरामैन दिखाएंगे, नीचे की तरफ देखिए आप, ये किस कदर हरे रंग की आपको काई दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद हम ये नहीं कह सकते हालांकि कि इसमें जो पानी निकल रहा है, देखने में वो साफ लग रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पानी ये निकल रहा है, ये देखने में तो साफ लग रहा है, लेकिन इसका कह नहीं सकते कि ये पानी भी जो है स्वच्छ है या कीटाणु रहित, कीटाणु इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जहाँ एक और प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान को बढ़ चढ़कर बहुत सभी पार्टी कार्यकर्ता वगैरह जो भाजपा से संबंधित रखते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें मिल रहा है, आमजन का भी बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ही इस अभियान को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सिवारा से केयर ऑफ मीडिया के लिए बाबू अंसारी की रिपोर्ट।